भारतीय संस्कृति संसार के महानतम और जीवंत जीवन पद्धतियों में से एक है। सनातन काल से जीव मात्र के कल्याण की भावना को जनमानस में प्रवाहित करने वाली ये संस्कृति अद्वितीय है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम सभी भारतवासी इसके परिणाम भी हैं और इसकी सतत प्रक्रिया के हिस्से भी। वर्तमान कालखंड में जहां एक तरफ विश्व वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को ग्लोबल विलेज के नए कंसेप्ट के रूप में अनुभव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपनी भाषा और संस्कृति से विमुख होकर कहीं हवा में अपनी जड़ें जमाने के व्यर्थ प्रयत्न में संलग्न हैं। यदि यही जीवन ऊर्जा हमारी विराट संस्कृति के एक छोटे से संवाहक के रूप में लगाई जाए तो यही संस्कृति हमें हमारी ईश्वरीय तत्व को उजागर कर सकने की क्षमता से परिचित करवाती है, जो सदैव ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक संभावना है और बीज रूप में सदैव उसके साथ रहती ही है। पर इस बीज के वट वृक्ष बन सकने के लिए जो अभ्यास और पद्धतियां सनातन संस्कृति का आधार रही है, उसको आधुनिकता के नाम पर पीछे छोड़ देना जब फैशन की श्रेणी में आ जाता है तो संस्कृति कुछ पुरुषार्थी व्यक्तित्वों का चुनाव स्वयं ही कर लेती है, जो भाषा और संस्कृति के विकास में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। ऐसे ही एक युवा हैं 27 जुलाई 1992 को राजस्थान के मकराना में जन्मे पंडित विमल पारिख, जो आज क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पंडित विमल पारिख का जन्म एक अल्प आय वर्ग वाले परिवार में हुआ, जहां इनकी माता श्रीमती भगवती देवी और पिता श्री कैलाश चंद को इनकी प्रतिभा बाल्यकाल में ही दृष्टिगोचर हो गई थी। पंडित जी का स्वभाव चंचल था, बहुत चंचल था खेलने में और में बॉल खेलने में और में, फिर पढ़ने डाल दिया तो पढ़ाई में बहुत रुचि लेता था। मैं किताबा पढ़ती थी भजना की और की, तो यह लेके पढ़ता था और पढ़ने से ज़्यादा यह सुनता था ना, तो बहुत रुचि लेता था। फिर यहाँ हम कंपनी में रहते थे, फिर यहाँ आ गए, मकान बन गया, तब बहुत रुचि लेने लग गए, सब चीज़ में आगे भाग लेने लग गया, गायों की सेवा में और में दीन दुखियों की सेवा में सब में रुचि लेने लग गया। इनकी वाणी पर मानो माता सरस्वती की विशेष कृपा थी। इनके पिता ने इनकी प्रतिभा को सही परखते हुए इनकी प्राथमिक शिक्षा मकराना के सरकारी विद्यालय में करवाने के बाद इनको पुष्कर के महेश वेद अध्ययन केंद्र में भेजना निश्चित किया और वहीं से इनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रख दी गई। हम सर्विस करते थे तो उसमें भी इतना पेमेंट नहीं मिलता था कि भाई अपन आगे इनको एजुकेशन करा सकते हैं, तो मैं बोला कि इसको अपने वेद पाठशाला में डालें। वेद पाठशाला में इन्होंने फिर पुष्कर लिया, पुष्कर से फिर इनको ले गए कलकत्ता में वेद पाठशाला है नहीं खुली, तो वहाँ से फिर इनको कलकत्ता से ले गए पुन्ना से वापस। उच्चतर अध्ययन के लिए ये काशी गए, जहाँ से इन्होंने पुरोहित्य और ज्योतिष का ज्ञान अर्जन किया। तत्पश्चात जयपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मेरा नाम नितेश जैन है, मैं मकराना विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। इतने कम समय में जिस तरह से पंडित जी ने अपना एक व्यवहार के माध्यम से अपना एक स्थान बनाया है, वो प्रशंसनीय है। ज्ञान अर्जन के शिखर पर होने के बाद भी इन्होंने अपने व्यावहारिक पक्ष को सदैव समान महत्व दिया और यही कारण है कि जीवन ने इनको अल्प समय में ही जो भी बड़े कार्य करने के अवसर दिए, वहाँ भी इनको सफलता मिली। तब ये पहले से मेरे चित चढ़ गए थे कि मैं भी संस्कृत का जानकार हूँ, तो मैंने पहले तब इनको एक शादी में बोलते हुए देख लिया, तो मैंने इनकी वोकैबुलरी जो थी पहले तभी बात करता हूँ तो मैंने कहा इतना बढ़िया बोलता है। और उसके बाद में इनके धीरे 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 इनके खुद के व्यवहार से इनकी अच्छी पंडिताई से धीरे मैंने पंडित्य पढ़ाया, ये मैं पंडित्य पढ़ा है, ये अपने संस्कृत से कभी श्लोकों में कभी त्रुटि बोल नहीं बोलते और जो बोलते हैं उनको ध्यान है इस बात का, जितने भी जो अनुष्ठान करते हैं इस बात का मुझे पूरा ध्यान है, ये पूरा कराते हैं।
इनकी ज्ञान और बुद्धि के संतुलन ने एक ऐतिहासिक आयोजन की उपलब्धि को इनके नाम किया, जिसे आज भी क्षेत्रवासी इनकी कार्यकुशलता के लिए निरंतर याद करते हैं। इसे मैं देख रहे थे, दो दिन बड़े बड़े ज्योतिषों के, बड़े बड़े आदमियों के दो तीन सम्मेलन करा रखे, जिससे इसमें हमारे बोराड़ की नाम हुआ। कैसा, वहाँ एक विमल नाम का एक पंडित है, वो इतना विद्वान है, या सारे इंडिया के सारे। इनके नेतृत्व में 24 से 26 दिसंबर 2017 को एक विशाल वेद और ज्योतिष सम्मेलन हुआ, जिसमें देश और विदेश के 1000 से अधिक विद्वानों ने हिस्सा लिया और मकराना निवासियों पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। पंडित जी की आज विशेषता, मुझे बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान के सचिवालय से लेकर शायद गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर पंडित जी ने अपनी प्रसिद्धि पाई है, और कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं जानता। पंडित विमल पारिक विभिन्न समाज वर्ग के सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों की सदैव एक विशेष कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। युवा वर्ग को संस्कृति से जोड़ने के लिए नवाचारों से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही किसी आयोजन में भारतीय संस्कृति से प्रभावित विदेशी नागरिक को पाणी ग्रहण संस्कार की महत्ता समझाने के उद्देश्य से इन्होंने एक बार सप्त वचनों का इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके भी समझाया, जो जनमानस और मीडिया में काफी प्रसिद्ध हुआ। ये बोलने में बहुत तेज था, और शुरू में पढ़ाई में तेज था संस्कृत में, और बच्चों को पढ़ाने की इसमें रुचि थी। इन्होंने अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया है। ये अपनी जन्मभूमि में भाषा और संस्कृति के विकास के लिए सर्व समाज के विद्यार्थियों के लिए एक वेद विद्यालय की स्थापना की दिशा में लगे हैं। देखिए, पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य जो सभ्यता है, वो आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख जरूर दे देगी, पर आपको आत्म शांति नहीं दे सकती, आपको मानसिक शांति नहीं दे सकती, आपको गृह शांति नहीं दे सकती, आपकी शरीर की शांति नहीं दे सकती। वर्तमान में पंडित जी सामाजिक कार्यों को सनातन परंपरा से जोड़कर सांस्कृतिक जागरूकता के कार्य में लगे हैं। इनका मानना है कि वेद विद्यालय की स्थापना से ये अपने जन्मभूमि के ऋण से मुक्त हो पाएंगे। हम तो पंडित जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी जिस मार्ग पर चले हुए हैं, वो मार्ग आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक अनुकरणीय मार्ग होगा, और सभी उनको देखकर ये समझ पाएंगे कि वास्तव में संस्कृति के लिए हमें कपड़ों की जरूरत नहीं होती है, संस्कृति के लिए हमें विचारों की जरूरत होती है। जो परम सुख मिलता है वो आध्यात्मिक सनातन संस्कृति, उसी के अंदर मानसिक शांति का अपन अनुभव कर सकते हैं। सनातन संस्कृति के लिए यदि इन्होंने अपना जीवन लगाया, तो इसी संस्कृति ने इनको उस स्तर पर प्रतिष्ठित किया। धार्मिक आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी आदरणीय पंडित जी विमल पारिक जी, जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, गो सेवा, प्रचार प्रसार में लगे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जहाँ से इस युवा जीवन को देखकर आप और हम अपने जीवन की एक पुनर्विवेचना करने को बाध्य हो जाते हैं कि कहीं हमने अपनी जड़ों को भूलकर कोई गलती तो नहीं की है। ये आदमी इतना छोटा दिखता है, पर ये विद्वान है, और ये लगनशील आदमी, जज्बाती आदमी, इसलिए मैं इनको प्यार करता हूँ इस आदमी, इसलिए इनका भविष्य उज्ज्वल है। आज मुझे गर्व है इस बात का। उसी हिसाब से मौला, यही ठीक है, हर काम में आगे रहता था,
और हमारे क्या कि परिवार में कुटुंब में कोई भी पहले भी शुरू से मेरे दादाजी से भी कोई भी पंडिताई कभी किसी ने नहीं की। 16 संस्कार हमारे सनातन में संपन्न किए जाते हैं। पहला संस्कार गर्भादि संस्कार, जो गर्भ में जीव पड़ जाता है तो उस समय माता गर्भ गीता का पाठ करती है और धार्मिक अनुसरण करती है। जिस प्रकार के माता अनुसरण करेगी उसी प्रकार उस जीव गर्भ के ऊपर वो संस्कार संपन्न होंगे। और अंतिम समय तक जो 16वां संस्कार है, मर्यादित जो जीवन जो जीना चाहते हैं वो इन 16 संस्कारों को अपनाते हैं। इसीलिए सनातन में अपने आप में एक महत्ता और विशेषता है, जो इसका अनुसरण करता है वो निश्चित ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। और सर्व जाति की सेवा में ये भी ये नहीं कि अलग भी अपने ब्राह्मण समाज हो, सर्व जाति में। और इसकी इच्छा रही मेरे माता पिता को संतुष्ट करूं सब काम में। जीवन में तो सभी जीते हैं, पशु भी जीता है, मनुष्य भी जीता है, पर हमारे में उनमें क्या फर्क है? हम तत्व को जानते हैं, हम अपने गुणों को जानते हैं, हम हमारे संस्कारों को जानते हैं, हम हमारी शैली को जानते हैं, हम हमारी सभ्यता को जानते हैं। आज के इस युग में जब छोटे छोटे बच्चे अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, पंडित जी ने जो संस्कृति पर चलकर जो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का मार्ग अपनाया है वो हम सबके लिए बड़ा ही अनुकरणीय है। पाश्चात्य जो संस्कृति है जो आपको सुख और सुविधाएं जरूर दे देगी, लेकिन सनातन संस्कृति आपको इसके साथ ही आध्यात्मिक उन्नयन और एक सार्थक जीवन भी पूर्ण रूप से दे देगी।